आज हम करेंगे एक्सरसाइज 8.3 क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का पहला क्या कह रहा है कि साइन 18 डिग्री डिवाइड बाई कॉस 70 डिग्री। हमें पता मैंने बताया था ना कि दोनों में से एक को आप किसी एक में चेंज कर ले, तो साइन को कॉस में कर लो या कॉस को साइन को कर लो। तो हम यहाँ पर कॉस 90 माइनस ए बताया, मैंने फॉर्मूला ये बता रखा है आपको। तो यहां से अब यहां से आप बताइए यहां से क्या आएगा, 18 डिग्री कॉस में से 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 72 है, यहां पर 72 आएगा। कितना हम यहां से सब्ट्रैक्ट करें, कितना घटा दें कि यहां पर 72 आ जाए, ठीक है। तो 18 यहां से करेंगे तो ये आ जाएगा। तो यहां से अब क्या होगा, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है। एक जगह पे यहाँ पे क्या है, 18 है, ठीक है। तो साइन 18 डिवाइड बाई क्या होगा, साइन 18 हो जाएगा। कैसे, क्योंकि कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ही होता है। तो यहां से आप ये कैंसिल हो जाएगा, इसका वैल्यू क्या आएगा, 1, यही इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में पहले का सेकेंड पार्ट में क्या होगा, टेन 26 कॉट 64। ये अब फिर वही क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन है। आप यहां से कॉट, अब मैं यहां पर टेन चेंज करूंगा, कोई भी चेंज कर लो, दोनों का तो सेम फॉर्मूला होता है। यहां से क्या आएगा, कॉट ए आएगा। अब यहां से देखो आप, टेन में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें कि यहां पर सॉरी 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 26 आ जाए। आप देखो नीचे दिया हुआ है 64, इजी है 64। एक को इसे सेम लिख दो, एक को चेंज करना, या तो ये 10 को कोट में करो या तो कोट को 10 में करो, दोनों को चेंज करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा। ये फॉर्मूला पता ही है क्या होता है। तो यहां से ये कोट क्या है, 64 है, ठीक है। अब 10 90 माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है। एक हजार यहां पर क्या है, 64 है। यहां से देखो आप, ए यहाँ पे 64 है, तो इसके अकॉर्डिंग यहां से क्या होगा, कॉट क्या हो जाएगा, कॉट 64 डिवाइड बाई कॉट 64, ठीक है। इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ठीक है। तो यहां से इसका आंसर क्या हो जाएगा, 1 आ जाएगा, इसका आंसर 1 आ जाएगा। थर्ड पार्ट में क्या कर रहा है, सी कॉस 48 माइनस साइन 42, वही सेम कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ए होता है, वी नो डेट, हम जानते हैं। तो यहां से आप क्या करो, दोनों में से एक को किसी को चेंज कर लो, हम कॉस को साइन में चेंज कर रहे हैं। तो कॉस में 90 में से कितना हम सब्ट्रैक्ट करें घटा दें कि 48 आ जाए, 42 अगर घटाए इसमें से तो ये आ जाएगा, कोई अंतर नहीं हो रहा है, सेम वही वैल्यू होगी, ठीक है। तो यहां से ये आएगा। अब हम जानते हैं कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ही होता है। तो यहाँ एक जगह पे क्या है, 42 है, तो यहां से क्या आ जाएगा, 42 आ जाएगा। अब 42 माइनस 42, इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, 0, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। बस आपको दोनों में से एक किसी को चेंज करो, 90 माइनस ए का फॉर्मूला लगा दो, आ जाएगा आंसर हमारा, ठीक है। तो यहां से मैंने यहां पर किया 90 माइनस क्या किया, 42 किया। 42 करने के बाद ये फॉर्मूला होता है कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ही होता है। अब यहां से देख लो, आप रख लो, यहां से क्या जाएगा, सेम आ जाएगा, कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ही होता है। एक जगह पे क्या है, 42 है, बस रख दिया, साइन ए माइनस साइन ए 0, साइन 42 माइनस 42 0 आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 का जो डी पार्ट है वो क्या है, कॉसिक 31 माइनस सेक 59, सेम वही कॉसिक 90 माइनस ए सेक ए होता है फॉर्मूला, मैंने बता रखा है, ये हम पिछले वीडियो में पढ़ चुके हैं। अब यहां से आप देखो, कॉस 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 31 आ जाए, 91 में से सॉरी 90 में से कितना हम घटा दें कि यहां पर 31 आ जाए, देख लो यहां से 59 होगा। अब एक को हम एक कुछ नहीं, इसको ऐसे ही लिख देंगे हम,
अब कॉसिक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ये होता है ना, तो यहां से एक जगह पे क्या है 59 है, तो बस यहां पर 59 आप लिख दो, इसकी वैल्यू क्या आ गई, जीरो आ गई। आंसर एक को चेंज कर लिया हमने, किसी एक को चेंज कर, यहां पर बस कोई अंतर नहीं, यहां पर 90 में से अगर 59 घटाते हैं तो 31 आता है यहां से, और इसकी वैल्यू, इसकी फॉर्मूला क्या होता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है जी, ये आता है सेक, ये आता है एक जगह पे क्या है, यहाँ एक जगह पे क्या है 59 है, वही वैल्यू रख दो यहां से, यहां से ये दोनों सेम सेम तो जीरो आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 2, सो डैट या दिखाइए, ठीक है, फर्स्ट पार्ट 1048 1023 डिग्री 1042 डिग्री 1067 इक्वल टू 1 लाना है, ठीक है, तो इसको हमें प्रूफ करना है, कैसे प्रूफ करेंगे, यहां से देखिए, यहां से लेफ्ट हैंड साइड हम लेकर चल रहे हैं, तो 1048 1023 डिग्री 1042 और 1067, ठीक है। अब एक चीज और मैं आपको यहां बता दूं कि 1090 माइनस ए क्या होता है, कॉट ए होता है, और कॉट ए इजकल टू 1/10 होता है, ये हम दो फॉर्मूले इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, जहां कोट ए आएगा वहां पर क्या लिखना है आप 1/10 लिखना। अब यहां देखो हम कितना 90 में से सब्ट्रैक्ट करें कि 48 आ जाए, 42 यहां पर कितना 90 में से घटा दें कि 23 आ जाए, 90 में से कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 23 आ जाए 67, ठीक है, इन दोनों को कुछ मत करो ऐसे लिख दो, क्योंकि हमें यहां अपन को कैंसिल करना है, ठीक है। उसके बाद अब देखो 1090 माइनस ए क्या होता है, कोट ए होता है ना, ये वाला फॉर्मूला, उसके बाद अब यही यूज कर दो, यहां पर क्या एक जगह पे क्या है 42 है, तो क्या आ जाएगा कोट 42, यहां से क्या जाएगा कोट 67, यहां से कोट 1042 और 1067, अब हम यही यूज करेंगे ये वाला फॉर्मूला, कॉट ए बराबर क्या होता है 1/10 होता है, तो यहां से क्या आ जाएगा 1/10 42 हो जाएगा, ठीक है, यहां से क्या होगा 1/10 67 होगा, वन बाई टेन 42 और 1/10 67, यहां से 1042 और 1067, अब देखो ये से कैंसिल हो गया, सारे कैंसिल हो गए, यानी जो इसकी वैल्यू आ गई वो क्या आया 1 आया, यही राइट साइड में हमको लाना था, राइट साइड में क्या लाना था 1 लाना था, तो हमारा प्रूफ हो गया, लेफ्ट साइड लेके हमने चला और राइट साइड हमारा आ गया, ठीक है, तो यहां से इसका प्रूफ हो गया। एक बार और समझ लेते हैं, 1042 1067 इसको 1 लाना है, लेफ्ट साइड में लेके चला, यहां से 1090 में ए लगाया, कोट ए होता है, कोट ए इसको 1/10 होता है, हमने इन दोनों को चेंज किया, ठीक है, तो इसको हमने यहाँ 48 के जगह पर मैंने क्या लिखा 90 माइनस 42 सेम आएगा वही 90 में से अगर 42 आप घटाओगे तो 48 ही तो आएगा ना, यहां से आप इसमें से देख लो 90 में से 67 घटाओगे तो 1023 आएगा, आएगा ना, आने के बाद इसको कोई चेंजिंग नहीं किया मैंने, अब देखो यहां पर यूज करो ये 90 माइनस ए वाला फॉर्मूला यूज करोगे तो 42 आएगा, यहां पर 67 आएगा, इसका वैल्यू क्या होता है 1/10 होता है, तो ये 1/40 1042 हो जाएगा, 1/10 67 हो जाएगा, इससे ये कैंसिल हो गया,
इसकी वाली वैल्यू क्या आ गई, वन आ गई। क्वेश्चन नंबर टू में टू का जो सेकंड पार्ट है वो क्या कह रहा है, आते हैं सेकंड पार्ट पे, दूसरे का बी, cos 38 cos 52 - sin 38 sin 52 इसका टू जीरो लेना है। अब सेम वही cos 90 माइनस ए क्या होता है, sin ही होता है, यहां ला यूज करेंगे, इसको हम चेंज करेंगे। तो cos 90 में से कितना सबट्रैक्ट करें कि 38 आ जाए, मतलब 90 में से कितना घटा दें कि 38 आ जाए, कितना घटाएंगे, 52 घटा देंगे तो आ जाएगा ना वो 38। यहां से क्या करेंगे, 90 माइनस अगर यहां पर हम 38 घटा दें तो कितना आ जाएगा, 52 आ जाएगा, माइनस 38 और साइन 52। हमें इसको चेंज नहीं करने है क्योंकि लेफ्ट साइड लेके चल रहे हैं हम। अब देखो साइन कॉस 90 में से क्या होता है, साइन ही एक जगह पे क्या है 52 है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन 52 साइन 38 यहां से हो जाएगा। अब देखो ये सेम वैल्यू है, ठीक है, तो यहां से दोनों वैल्यू सेम है तो इसकी वैल्यू क्या जाएगी, जीरो। यही हमें राइट साइड प्रूव करना था। ओके, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड में इफ यदि टैन 2a इक्वल टू कॉट a माइनस 18 डिग्री, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल ए, तो कोण ए का मान ज्ञात करो, ये होगा क्वेश्चन हमारा हो गया। इसका सोल्यूशन क्या होगा, टेन टू ए इक्वल टू कॉट ए माइनस 18, ये कोट में दिया है राइट साइड में, इसको भी आप कोट में चेंज करिए। अब ये बताइए टेन कोट जो होता है 90 माइनस ए क्या होता है, टेन ए होता है, होता है टेन ए ना, तो यहां से अगर हमें लिखना हो, अगर इसको कोट में लिखना हो तो इसको लिख सकते हैं टेन ए बराबर कोट 90 माइनस ए, लिख सकते हैं ना, लिख सकते हैं, फॉर्मूला ने बता रखा है ना इस पर, तो बट यहां पर ए है लेकिन इसमें क्या दिया है 2a हुआ, तो बस कोई चेंजिंग नहीं है, जहां जहां ए है वहां आप 2a रख दो, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं cot 90 माइनस 2a, इसको इस फॉर्मूले से, ठीक है, तो cot a माइनस 18 डिग्री, cot से cot कैंसिल कर दो, 90 माइनस 2a इज इक्वल टू a माइनस 18 डिग्री, 18 को उधर ले आओ, 90 प्लस 18 इज इक्वल टू 4 प्लस 2a, सॉरी a प्लस 2a, यहां से आप इसको ऐड करोगे तो कितना आएगा, इन दोनों को ऐड करो तो 108 इज इक्वल टू, इन दोनों को ऐड करो तो 3a आएगा, यहां से आप क्या करो a बराबर क्या आएगा 108 डिवाइड बाय 3 कितना जाएगा 36, इसका एक ही वैल्यू मिल जाएगी हमको, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसा क्वेश्चन आता है यहाँ पर चेंज आएगा, बस और कोई अंतर नहीं होता है, थोड़ा बहुत यहाँ पर चेंज कर देता है, यहाँ पर 3a कर देगा, यहाँ पर कुछ और कर देगा, लेकिन ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को प्रैक्टिस में लाओ, बिल्कुल इजी क्वेश्चन है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है इफ यदि
टेन ए इज इक्वल टू कॉट बी प्रूव डेट, सिद्ध करो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90। ऐसा भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन कई बार आ चुका है, ठीक है। तो यहां से आप प्रूफ में क्या कर लिखेंगे, टेन ए इज इक्वल टू हमें क्या लेना है, कॉट बी दिया हुआ है तो हमें ए प्लस बी के छोटू 90 लेना है। आप इसको चेंज कर लो, इसको आप चेंज कर लो, इसको हम करेंगे टेन, अगर हम करें यहां पर 90 माइनस बी तो क्या होता है, टेन 90 में से क्या होता है, टेन 90 में से होता है कॉट ए होता है, तो कोई अंतर तो होगा नहीं, सेम फॉर्मूला होता है। टेन 90 में से क्या होता है, कॉट ए होता है, यहां पे बी दे रखा है। अब यहां से आप ये 10 से 10 कैंसिल, ए इज इक्वल टू 90 माइनस बी, ये माइनस से इस साइड आएगा लेफ्ट हैंड साइड, तो ए प्लस बी इज इक्वल टू 90 हो जाएगा, और यही हमें प्रूव करना था। इसमें यूज क्या किया गया, यही कि टेन 90 माइनस ए इजकल टू क्या आपको रखना था, कॉट ए, कॉट ए दिया हुआ था, इसके जगह पर 90 माइनस ए रखना था, यहाँ पर ए के जगह पे क्या था, बी था, तो ये इसका आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर फाइव में क्या करेंगे, क्वेश्चन नंबर फाइव क्या दिया हुआ है, इफ यदि सेक 4a इज इक्वल टू कोसिक a माइनस 20, ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ एंगल a, तो कोण a का मान ज्ञात करो, ठीक है। सॉल्यूशन एक ही बस ट्रिक इसमें है कि कॉसिक 90 माइनस ए क्या होता है, सेक ए होता है, ये फॉर्मूला में कर चुके हैं। तो यहां से आप देखिए हमें गिवन क्या है, सेक 4a इज इक्वल टू कॉसिक a माइनस 20 दिया हुआ है, ओके। अब यहां पर आप क्या करना, इसी का यूज करना, यहां पर a है तो कॉसिक a 90 माइनस a है, अगर यहां पर 4a कर दिया जाए, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर ये भी 4a कर दिया जाए तो यहां पर क्या आएगा, 4a आएगा, तो सिंपल कॉसिक 4a इज इक्वल टू सेक 4a इज इक्वल टू कॉसिक 90 माइनस 4a, तो यहां से कॉसिक a माइनस 20, तो यहां कॉसिक से कॉसिक कैंसिल, 90 माइनस 4a इज इक्वल टू a माइनस 20। आप क्या करो, 20 को उधर लाओ, तो 90 प्लस 20 इज इक्वल टू ए प्लस 4a, इसको सॉल्व कर लो, ये 110 आएगा, यहां से 5a आएगा। अब आप जब इसको डिवाइड करोगे तो क्या आएगा, a इज इक्वल टू 110 डिवाइड बाई 5, 22 डिग्री आएगा, इसका आंसर ये हो गया। कुछ नहीं करना था यहाँ पे, इसको बस यहाँ पर इसको क्या करना था, कोसिक ए माइनस ए इक्वल टू क्या होता है, सेक ए होता है, वही यहाँ पर 4a दिया था, उसके जगह हमने क्या रख दिया, 4a रख दिया, 4a रखने के बाद दोनों कोस से कोस कैंसिल, कैंसिल हो जाएगा, कोसिक से कोसिक, यहाँ से इसको इसको इस साइड लेंगे तो प्लस हो जाएगा, इसको इस साइड ले जाएंगे तो 4a क्या हो जाएगा, यहाँ से ये 4a जहां इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा, प्लस का हो जाएगा, तो ये ए प्लस 4a क्या हो जाएगा, 5 पे हो जाएगा, और 5 पे इक्वल टू 110, उसको यहां डिवाइड कर देंगे 110 से 5 को, तो 22 इसका आंसर आ जाएगा। बिल्कुल लीजिए, बस यही अप्लाई करना था, ठीक है, तो आप कर सकते हैं, कोई इसमें प्रॉब्लम नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 5 था, क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है, क्वेश्चन नंबर 6 में क्या गिवन है,
इफ ए बी एंड सी आर इंटीरियर एंगल, इंटीरियर एंगल ऑफ त्रिभुज ए बी सी देन सो डैट साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इक्वल टू क्या आना चाहिए, कॉस एट कॉस ए डिवाइड बाई टू, ठीक है। तो यहां से आपको क्या करना है, हिंदी में सुन लो क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है तो हमें दिखाना क्या है, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। एक बार सुनिए क्वेश्चन, यदि ए बी सी किसी त्रिभुज के अंतः कोण है देन मानी तब सो डैट मतलब दिखाइए साइन बी प्लस सी डिवाइड बाई टू इज इक्वल टू कॉस ए बाई टू। इसका सोल्यूशन क्या होगा, मतलब इसका प्रूफ क्या होगा, इसका प्रूफ क्या होगा, वी नो डैट हम जानते हैं, वी नो डैट हम जानते हैं किसी त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, एंगल ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू क्या होता है 180 होता है, ठीक है। तो यहां से हमें क्या गिवन है, बी प्लस सी गिवन है, तो अब बी प्लस सी गिवन है तो इसको इस साइड लेके जाओ, एंगल ए प्लस एंगल सी इज इक्वल टू 180 माइनस एंगल ए, ये हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या लेना था, साइन लेना है, तो दोनों तरफ साइन आप ले लो, तो साइन बी प्लस सी इज इक्वल टू सॉरी आप हमें कितने से डिवाइड करना है, टू से, तो बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, तो यहां से डिवाइड करोगे 180 डिवाइड बाय टू एंगल ए डिवाइड बाय टू। अब यहां से देखो क्या आगा, मैं यहां क्वेश्चन कर रहा हूं, एंगल बी प्लस एंगल सी इज इक्वल टू डिवाइड बाय टू, यहां 90 माइनस ए बाय टू हो जाएगा, ठीक है। अब हमें दोनों तरफ क्या लेना है, साइन लेना है ना, साइन इस साइड लेना है, लेफ्ट साइड क्या लेना है, साइन लेना है, तो आप साइन ले लो, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय टू साइन 90 माइनस ए डिवाइड बाय टू। अब यहां से तो हमारा एक आ गया, साइन बी प्लस सी डिवाइड बाय टू, अब बताइए आप साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, यहां एक जगह पे क्या है ए बाय टू है, यहां एक जगह पे क्या है ए बाय टू है, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस ए बाय टू हो जाएगा, ये हमारा प्रूफ हो गया, ठीक है, यही हमें प्रूफ करना था, ओके। तो ये रहा इसका सॉल्यूशन। अब आते हैं लास्ट क्वेश्चन हमारा जो है, गिवन क्या है, क्वेश्चन नंबर 7, एक्सप्रेस साइन 67 प्लस कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 45। मैं एक बार हिंदी में क्वेश्चन बोल रहा हूं, कह रहा है कि साइन 67 कॉस 75 को जो त्रिकोणमितीय अनुपात दिया हुआ है उसको आप 0 और 45 के बीच में उसके कोण को आप लिखिए जो ये दिया हुआ है। मैं एक बार बोल रहा हूं कि जो एक्सप्रेस एज जो लिखा है ना कि एक्सप्रेस एज साइन 67 कॉस 75 इन टर्म ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ एंगल लाइंग बिटवीन 0 एंड 45, तो ये बोल रहा है कि जो ये दिया हुआ है साइन 67 और कॉस
75, इसको आप 0 और 45 के एंगल के बीच में लिखिए। तो यहां से साइन 67 प्लस कॉस 75 ये है ना, तो आप इसको हम क्या कर सकते हैं, इसको हम लिखें अगर साइन कितना में से हम घटाएं यहां पर 90 में से कि ये 67 आ जाए 23। अब यहां देखो कॉस 90 में से हम कितना सब्ट्रैक्ट करें कि 75 आ जाए, मतलब 90 में से कितना घटा दें कि यहां 75 आ जाए, 15 घटाएंगे तो यहां 75 आ जाएगा। अब हम जानते हैं कि साइन 90 माइनस ए, साइन 90 माइनस ए क्या होता है, कॉस ए होता है, ए की जगह पे यहां पर क्या है 23 है, तो यहां से क्या हो जाएगा कॉस 23। और यहां देखो कॉस 90 माइनस ए क्या होता है, साइन ही होता है, यहां एक जगह पे क्या है 15 डिग्री है, तो यहां से क्या हो जाएगा साइन 15 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, तो यही हमारा आंसर हो गया। इस तरह हमारा 8.3 कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट एक्सरसाइज में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज में, हम करेंगे कि कैसे प्रूफ करते हैं, फॉर्मूले क्या होते हैं, ठीक है, उसके बारे में सब हम विस्तार से अध्ययन करेंगे। ठीक है, तो आप चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, कोई भी आपको इसमें डाउट हो तो कमेंट करके बताओ, मैं दोबारा इस क्वेश्चन को करा सकता हूँ। ठीक है, तो थैंक यू वेरी मच, नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।